हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, इनमें से आप अपने लिए एक घंटा तो निकाल ही सकते हैं, हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। तो फ्रेंड्स, आज की रेमेडी हर एज ग्रुप वालों के लिए है और स्पेशली 30 अबव के एज ग्रुप वालों के लिए है, क्योंकि 30 के बाद हमारे स्किन थोड़ा लूज होने लगता है, झुर्रियाँ आने लगते हैं, पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो इस टाइम में हमें अपने स्किन का केयर और भी अच्छी तरीके से करनी चाहिए। और आज जो रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, बट रिजल्ट आपको 100% देने वाला है। ये जो फेस क्रीम हम बनाएंगे, ये बिल्कुल अनोखा होगा और आपके स्किन से रिलेटेड सारे समस्याओं को दूर भी करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और बढ़ते हैं रेमेडी की ओर। इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए केसर। केसर यानी कि सैफ्रन। गाइस, आप लोग बोलेंगे कि सैफ्रन बहुत ज़्यादा महंगा होता है, तो आपकी स्किन भी तो महंगा ही है, इतना तो आप अपने स्किन में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। तो आपको क्या करनी है, केसर की बस 4-5 पत्तियों को एक टिश्यू पेपर में या फिर नॉर्मल पेपर में, आपके पास अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल पेपर में भी इसको निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, केसर की जो सैफ्रन की 5-7 पत्तियों को एक टिश्यू पेपर में निकाल लेना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और इसको ऐसे बंद कर देना है, क्लोज कर देना है चारों ओर से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और ऐसे करने के बाद आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा वार्म करना है। तो कैसे इसको वार्म करना है, आप कोई भी पैन बसा लीजिए अपनी गैस में, तवा हुआ, कोई भी डोसा तवा आता है उसी में क्या करना है आपको, जब तवा गर्म हो जाए तो वहाँ पे इस टिश्यू पेपर को, जो केसर रखा हुआ था, जो सैफ्रन रखा हुआ था, उसको लेके वहाँ पे 2-3 मिनट रख दीजिए, ताकि अंदर का जो केसर है ये थोड़ा सा गर्म हो जाए। बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे गर्म नहीं करनी है, बस थोड़ा सा ही आपको इसको वहाँ पे तवा के ऊपर इसको गर्म कर लेनी है, और थोड़ा सा गर्म हो जाने के बाद इसको आपको तवा से निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे कोई कलर वलर चेंज नहीं होंगे, बस थोड़ा सा गर्म होगा आपकी जो केसर है, और फिर इसको आपको निकाल लेना है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि केसर को रात से भिगो कर रख दीजिए, गुलाब जल में इसको भिगो कर रख दीजिए और सुबह इसका यूज़ करिए, बट इमीडिएटली ये बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ, और वार्म करने के बाद मैं इसको ले जाऊँगी और फिर एक बाउल में निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसा था वैसा रहेगा, और गुलाब जल जो रोज़ वाटर है उसको डालने के बाद ही इसका जो कलर है वो इमीडिएटली आएगा। हम अक्सर क्या करते हैं, रात को सैफ्रन को ऐसे भिगो के रखते हैं तो सुबह जाके यूज़ करते हैं, बट ये जो है ये इमीडिएट वाला काम है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है रात से भिगो कर रखना, तो आप क्या करें, इमीडिएटली इसको ले जाकर थोड़ा सा वार्म कर लीजिए एक पेपर में या फिर कोई टिश्यू पेपर में, और इसको लाकर ऐसे यूज़ करिए। तो आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे हम डालेंगे 1-2 चम्मच रोज़ वाटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो सैफ्रन गर्म हुआ था इसकी वजह से इसका जो कलर है इमीडिएटली आ चुका है, और थोड़ा सा इसको हम छोड़ देंगे ऐसे, इसको भिगो कर रख लें 5-10 मिनट तक, इसको ऐसे साइड में रख लेंगे। तो 5-10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा ना, ये और भी ज़्यादा इसका कलर जो है इसके अंदर, पानी के अंदर आ जाएगा, और हमें यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी, और हमारा जो रेमेडी है ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं जब तक इसको 5-10 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएंगे। तो गाइस, 5-10 मिनट बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एक्चुअल कलर इसका आ चुका है, जो रात में हम भिगो के रखते हैं जैसा वाला कलर आता है बिल्कुल उसी टाइप का आ चुका है। तो ये बिल्कुल इमीडिएट वाला रेसिपी है, आप चाहे तो इसको कर सकते हैं। देन हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1-1.5 चम्मच एलोवेरा का जेल। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा एलोवेरा का जेल नहीं यूज़ करना चाहता तो आप यहाँ पे बहुत कम एलोवेरा का जेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट एलोवेरा जेल क्या होता है ना, हमारी स्किन में जो रेडनेस आते हैं, जो ड्राई हो गया होता है, हमारी स्किन डल हो गया होता है, हमारी स्किन में रैशेस आते हैं, उन सबको ठीक करने के लिए एलोवेरा जेल बहुत ही परफेक्ट है। हमारी स्किन को स्मूथनेस प्रोवाइड करता है, हमारी स्किन को सॉफ्ट बनाता है, जो टैनिंग हो जाती है धूप की वजह से। हम अक्सर क्या करते हैं, धूप में जाते हैं, कोई भी महंगा सा क्रीम आप लगा लो, कुछ भी कर लो, बस जब आप धूप में जाओगे तो आपकी स्किन जो है वो टैन होनी ही होनी है।
तो उन सबको ठीक करता है एलोवेरा का जेल। और ये एलोवेरा का जेल जो होता है ये हर एज ग्रुप को सूट करता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ करा। सो नेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड करेंगे एलमंड ऑयल। आप किसी भी ब्रांड का एलमंड ऑयल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एलमंड ऑयल नहीं है तो आप यहाँ पे विटामिन ई का कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो आता है मार्केट में बादाम रोगन स्वीट एलमंड ऑयल, आप उसी का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास कुछ और ब्रांड का था तो मैंने उसी का यूज़ करा है। तो अगर आप एलमंड ऑयल नहीं भी यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे आप विटामिन ई का 2 कैप्सूल डाल सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। और इन सबको अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं मैं इन सबको मिक्स कर रही हूँ। और हाँ गाइस, यहाँ पे जो हमने डाला हुआ था सैफरन की पत्तियाँ, आपको उसको बाहर नहीं निकालना है, उसी क्रीम के अंदर इसको आपको रहने देना है। तो फ्रेंड्स, इस क्रीम की जो वैलिडिटी है ये 1 वीक रहेगा और उससे ज़्यादा रहेगा, बट उतना इफ़ेक्ट नहीं करेगा। तो मेरी मानिए तो इसको 1 हफ्ते के लिए बनाइए, यूज़ करिए, फिर नेक्स्ट 1 वीक में फिर बनाना। तो आपको इसको लगाना कैसे है, आप जब बेड में जाओ रात को, अपनी मेकअप अपने फेस को अच्छी तरीके से वॉश कर लो, अपनी मेकअप को अच्छी तरीके से रिमूव कर लो, और देन कोई टोनर वगैरह जो यूज़ करते हैं आप उसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जो नाइट क्रीम आप अप्लाई करते हैं तो नाइट क्रीम के जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है गाइस। बाजार में जो मार्केट में मिलता है नाइट क्रीम वगैरह, उससे ये 100 गुना ज़्यादा नेचुरल है और इफ़ेक्टिव है। एक बार यूज़ करके देखिए, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है। ये जो क्रीम है ये आपकी स्किन से झाइयाँ, झुरियाँ, पिगमेंटेशन, ब्लैकनेस, इन सब को दूर कर आपकी स्किन को फ्लॉलेस बनाएगा। और ये एंटी एजिंग का भी काम करता है गाइस। तो आई होप गाइस ये जो वीडियो है ये आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।